हाजिर हैं और आज के ब्लॉग की खास बात यह है कि हम जो है अभी जाने लगे हैं बीच पे। कौन से बीच पे? दिसारू बीच पे जाने लगे हैं और दिसारू बीच पे जाने के लिए कुछ तैयारियां करना जरूरी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो गाइज हमने पेप्सी और सेवन अप के कैन ले लिए हैं, मैंगो आम ले लिया है, उसके बाद टिशू और उसके बाद खाने पीने का सामान है। साथ हमने डिफरेंट बर्तन कोली वगैरह रखी है और उसके बाद टिफ़न में हमने काफ़ी चीज़ें वगैरह रोटी वगैरह पैक कर ली है, बंद पैक कर लिया। और उसके साथ हमने मीठे पानी वाली बोतल और उसके साथ हमने दूसरा क्या किया कि हमने सादा पानी वाली बोतल और उसके साथ ये देखें अहमद ने अपनी क्या क्या चीज़ें तैयार कर ली हैं। अहमद ने अपने डम ट्रक और क्रेन भी उठा लिया है, शाबुल अहमद ने अपना उठा लिया, क्रिकेट उठा लिया है और अहमद ने अपना एक फुटबॉल उठा लिया है। तो गाइस ऐनक बहुत ज़रूरी है, कैब भी ज़रूरी है और ये अहमद ने देखें जनाब, अहमद ने भी नीचे जो है वो कैब पहन ली है। और बाकी जो है ना ये आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो है वो सामान जो है वो ये पूरा हमने बैग एक ही में डाल लिया और तैयार हो गया। और ये हुज़ैफ़ा भी जनाब बीच पे जाने के लिए तैयार है, ग्लासेस इसने पकड़ लिए हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि जो है ना सामान हमने सारा डिग्गी में रख लिया है। मैं आपको मौसम चेक कराऊँ तो मौसम आप देखें, धूप बादल वाला मौसम है, माशाल्लाह क्या मौसम हो गया। और यही मौसम जो है वो बीच पर जाने वाला है। और बस अभी हम जो हैं वो ये आप चेक करें कितना प्यारा वेदर हो गया। और अभी हम अहमद ने देखा, अहमद जनाब फुल तैयार हुआ है टोपी पहन के। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस अब जो है ना सफ़र शुरू हो गया है और अभी जाते हुए बस एक चीज़ रह गई है, जाते हुए सन ब्लॉक ज़रूरी है, सन ब्लॉक लेना है और बस अभी उधर ही जाना है, सन ब्लॉक लेंगे उसके बाद में अपने सफ़र की तरफ। और धूप बादल हैं, बस ये है कि बारिश ना हो और ऐसे ही मौसम रहे तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसमें इंजॉय करेंगे। गाइस आप ये देखें ज़रा कितनी हाई रेज जो है ना पुल बना हुआ है बिल्डिंग के साथ और माशाल्लाह बादल आप चेक करें, क्या मतलब क्या खूबसूरती, क्या निज़ाम है और क्या मतलब प्यारा व्यू है। आप ज़रा चेक करें समुंदर के ऊपर ये पुल बना हुआ है और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है ये। तो गाइस आप ये चेक करें ज़रा बादल के साथ कितना ज़बरदस्त व्यू है और फ्लोटिंग हाउसेज बने हुए हैं और बहुत जो है ना फिट इसका सारा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है ना सात कोकोनट के दरख्त हैं और दिसारू बीच के रास्ते में जाते हुए जनाब ऐसा मौसम और दोनों साइडों पे ऐसा दरख्त और क्या वेदर है। तब आप मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जितना मैंने भी यहाँ पे हम दिसारू बीच की तरफ सफ़र कर रहे हैं ये सारे सफ़र में जो है ना दरख्त ही दरख्त हैं और बड़ा प्लेजेंट वेदर है और काफ़ी ज़्यादा हम जो है ना सफ़र इंजॉय कर रहे हैं और लाइक बड़ी खूबसूरती है। गाइस जो है ना हम दिसारू बीच के बिल्कुल करीब पहुँचे और ये देखें जनाब कितना माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त ये लगाया हुआ कलरफुल सा और बोर्ड शोर जो है आप देख सकते हैं। गाइस जैसा कि है ना हम दिसारू बीच पे पहुँच गए हैं और बीच पे पहुँचने के बाद जो है ना मैं आपको व्यू दिखाता हूँ ये चेक करें। तो अभी वन बाई वन देखते हैं कि बीच पे क्या क्या चीज़ें हैं और उसके साथ जो है ना हमने अपना अभी यहाँ पे चटाई इधर लगा दी है। किधर आ गए हो? पहुँच गए हो? हाँ। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। शाबुल किधर है? ये वो है। बताओ जरा शाबुल के साथ क्या करना है? कूदना है। अभी जाके देखते हैं कि यहाँ पे बीच पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और लोग देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं और क्या सारे मामलात हैं और क्या पार्किंग शार्किंग वाला क्या हिसाब किताब है वो सारा आपको चलते हैं और साथ को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है ना बीच पे क्या हिसाब। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और जब आगे पानी की तरफ जाएंगे फिर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है पीछे दूर तक सारी पार्किंग है और जिधर जिधर आवाम को जो दरख्त मिले हुए हैं ना आवाम जो है वहाँ पे आराम सुकून से बिल्कुल बैठ गई है और हवा जो है ना बड़ी माशाल्लाह बड़ी ठंडी हवा आ रही है। जैसे कि मतलब बहुत ज़बरदस्त है जब आप हवा के नीचे सिर्फ बैठते हैं। बाकी ये देखें ये जनाब बाज़ार है, यहाँ पर आपको शरबत वगैरह डिफरेंट किस्म का मिलेगा और उसके बाद समोसे पकोड़े जो है ना वो सारे जो हैं बेशक गर्मी है जो भी है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। ये देखें ये जनाब शरबत सा लगा हुआ है और ये जनाब ट्यूब्स हैं और मतलब वेरिएंट चटाइयाँ वगैरह बैठने के लिए सारा निज़ाम है, हिसाब किताब है इधर सारा कुछ। तो जब आप बीच में आएँगे तो जहरी सी बात है आपको यहाँ पर ये सारी शॉपल वगैरह और ये सब चीज़ें क्रेने और डिफरेंट बच्चों के खिलौने के टॉयज वगैरह ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कैब फूड सब कुछ आपको मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि जब आपने बीच में आना है तो
मतलब अपना घर से लेके आए वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके आए हुए तो यहाँ पे देखें टूल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये बैठने वाले मैट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। ये जो है ना वॉशरूम वगैरह नहाने के लिए सिस्टम है सारा यहाँ पे, तो बाद में मिट्टी से गंदे होके आना है तो सीधा इधर आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इधर आके ना आप खून से जो है ना आपने नहाना है। तो गाइस ये देखते हैं जनाब, ये सर सारा जो है ना वो है और मौसम थोड़ा सा बाकी आगे और उसके बाद जो है ना, तो गाने आप सुन रहे हैं बीच वाले गाने लगे हुए हैं और पीछे जो है ना नारियल पानी और ये सब कुछ आपको मिल रहा है और बीच पैसा ना मिले ये हो नहीं सकता, तो पीछे गाने जो है ना वो लगे हुए हैं, माहौल बनाया हुआ है। तो लाइफ जैकेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, टेंशन की बात कोई नहीं है, बिल्कुल ईजी होके आए हैं। देखें बोट्स वगैरह भी आपको यहाँ से रेंट पर मिल जाएंगी, जैकेट्स ये उनके जो है ना लवाजमात इधर खड़े हुए हैं सारे। तो गाइस अभी जो है ना बीच की तरफ जा रहे हैं पानी वाली साइड पे, और जो है ना पीछे आप देख सकते हैं कि सारे लोगों ने इसी तरह कैंपिंग वगैरह की हुई है, और जो रेत है ना रेत, और ये आप रेत देखें ना, तो रेत जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और जाहिर सी बात है धूप हो तो फिर रेत जो है ना वो आपको पता है गर्म होती है। और ये देखें आप ज़रा चेक करें, ये आप चेक करें ज़रा लोगों का रश देखें बीच के ऊपर, ये क्रू जो है ये पेट्रोल भर रहा है, जिनके पास जो है जिनके पास कुछ नहीं है वो सारी साइड साइड में नहा रहे हैं। बस ये भाई जो है ना सही बीच को एंजॉय कर रहे हैं, नहा धो के आके जो है ना फुटबॉल लेके आए हुए, और ये देखें फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी पीछे वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है लेकिन वो बिल्कुल जो है ना नेट में नहीं खेल रहे। ये देखे ये भाई ने जनाब मिस कर दिया, और ये देखिए ये शॉट मारी भाई ने, और ये देखें आप जरा लोग यहाँ पे कितना कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मज़े की बात पानी की ब्यूटी ये है कि जब आप पानी की तरफ आते हैं तो फिर जो है ना फिर हर कोई जो है ना अपनी अपनी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मछलियाँ कर रहा है। ये देखते हैं भाई को, वाह जी भाई दूसरे को पकड़ रहे, पाकिस्तानी भाई जो है ज़्यादा है वहाँ पे, भाई बच्चे अपने आप को रेत में दबा के बैठे हैं। और इधर ये चेक करें कि एक भाई इन्होंने पकड़े हुए हैं, और क्या कह रहे हैं कि भाई को जो है रेत के अंदर दबाया हुआ सही बात है। तो गाइस ये देखें ये जो है ना पतंग रंग बिरंगी पतंग उड़ रही है, दो तीन पतंगे हैं, एक ये देखें एक ऊपर है, ये देखें भाई जो है ना गिटार लेके आए, वो अपना गिटार जो है सारी बातों की बातें भाईजान। मलेशिया में जो है ना पीटीआई इमरान खान का स्पोकर आप देखें, ये देखें नमाज शर्ट अपनी पहन के अंदर खेल, और ये भाई जान पीटीआई का स्पोकर है पीटीआई, ये देखें भाई जान पीटीआई का स्पोकर है, फुल पीटीआई स्पोकर भाई साहब, और ये भी जो है ना मलेशिया बीच पे बीच पे पहुँच रहे हैं। तो गाइस जब से आपका भाई आया हुआ ना ये टीम पॉइंट नहीं कर सक रही। गाइस फुटबॉल खेलने के बाद ऐसा हाल हो गया भाई का, और ये भाई लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, तो अभी इनकी जो है ना सोलो गेम होने लगी है, तो मेरी बात हो गया। तो गाइस अभी जो है ना हमारा क्रिकेट का शुरू होने लगा इवेंट, तो अभी अहमद की पहली बैटिंग है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद मेरी बैटिंग है सेकेंड, तो देखते हैं कि अहमद जो है कितनी जल्दी आउट, अहमद जो है पहली बारी में आउट। पहला स्टॉप वीडियो का पहला स्टॉप हो गया, और अभी इनको मैंने पिटी देनी है सही करके, वॉच क्रिकेट और डू दिस जंक मैम स्टॉप। तो गाइस इनकी पिटी है अहमद जो पहली बारी का आउट हो गया, अभी इन्होंने इधर पिटी करनी है। ओके नेक्स्ट, ओके फास्टर नेक्स्ट टाइम फास्टर दैट जाना।
में आ गए और जो है ना अभी क्या करने लगा है कि अहमद अपना मिट्टी का घर में आने लगा और ये अभी रेत जो है ना ये देखें आप रेत अहमद खोद रहे अहमद ने जो है ना अपना घर बना लिया है और तो गाइस अहमद ने ये जनाब माशाल्लाह बड़ा प्यारा किला बना दिया है और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है अभी इस टाइम यहाँ पे बीच पे और लोग अभी फ़िलहाल नहा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं बोट्स वाले बोट राइडिंग कर रहे हैं। आज आज वीडियो के लिए इतना ही उम्मीद है आज आपको बीच का टूर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर जरूर करना है, गाँव में याद रखना है।